नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के होडल में जिला योग एसोसिएशन के द्वारा आरएस योगा संस्थान के तत्वावधान में योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख समाज सेविका नवीन रोहिल्ला ने शिरकत की। नवीन रोहिल्ला ने योगीराज श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस छोटे से शहर में जिला स्तरीय योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम खंड स्तर पर आयोजित होने पर क्षेत्र में प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का अवसर मिलता है। बच्चों के हुनर में निखार आता है। योग हमारे जीवन शैली का अहम हिस्सा है। हमें बच्चों के साथ स्वयं को भी योग करना चाहिए। योग को दैनिक क्रिया में शामिल करना चाहिए। योग के क्षेत्र में आज अनेक संभावनाएं हैं। योग क्षेत्र रोजगार उन्मुखी है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने क्षेत्र में योगा के इस मुकाम तक का सफर प्रयास किया। मीडिया बंधुओं को और बच्चों की हौसला अफजाई करने आए सभी समाज सेवियों को मेरा हाथ जोड़ के नमन है, उन्हें प्रणाम है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं प्रणाम करती हूँ अपने गुरु को, और प्रथम गुरु मेरी माता जी, तत्पश्चात जो हमारे गुरु जिनसे हमें शिक्षा दीक्षा मिली। देखिए बच्चों, ये सभी बच्चे जो खड़े हुए हैं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो प्लीज आप बैठ जाइए। बच्चे सभी बैठ जाइए, सभी बच्चे बैठ जाइए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिला स्तरीय प्रोग्राम जो हम लाए हैं वो खंड स्तर पर लाए हैं। आज ग्रामीण परिवेश है, उधर यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। जिला लेवल पर हम देखें अभी तक पिछले 5 साल से ब्लॉक स्तर पर अपने यहाँ होटल शहर में काम कर रहे थे, और आज हमें अच्छा लग रहा है कि हम पूरे जिले की जिम्मेदारी ले रहे हैं। सर, आपके इसमें कितनी टीम भाग ले रही है? इसमें 10 लड़कियों के हैं, 10 लड़कों के 20 ग्रुप रहेंगे, और सभी में अच्छे पार्टिसिपेट। योगा चैंपियनशिप होटल में हो रहा है, ये किसके तत्वावधान पर हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट के योगा संघ के बैनर तले और साथ में आरएस योगा संस्थान के बैनर तले कंपटीशन है, ये हो रहा है। तो इसमें जो विजेता बच्चे होंगे वो आगामी अगस्त माह में होने वाली राष्ट्र स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसमें 4 बच्चे चुने जाएंगे और 4 बच्चे ही आगे स्टेट लेवल की जो प्रतियोगिता होगी उसमें भाग लेंगे। इन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए जो हमारी पलवल योगासन की टीम है वो उनका पुरजोर उनको उत्साह वर्जन कर रही है, आगे भी करती रहेगी, और ताकि ये बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि बच्चे आगे बढ़कर अपना परिवार का, अपना शहर का, देश का नाम रोशन करेंगे। ये योगा चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट योगा चैंपियनशिप पहली बार होटल में हो रहा, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखो, पहली बार योगा आसन प्रतियोगिता को होटल में होने पर मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तो सहयोग सभी लोगों का मिला है, जैसा भी जिससे बन पाया पूर्ण सहयोग मिला है, और इस सहयोग के लिए मैं बार बार उनके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, ताकि ये प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरह सफल बनाया है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।